दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस किया था, और हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो सूर्य है और जो उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, और इनसे आप एक बात ध्यान रखें कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी या उसमें जो जितने भी आपको क्वेश्चन बताए थे उसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है आपका ग्रह का और अन्य ग्रहों का, जो उनकी परिक्रमा कक्षाएं हैं, कितनी स्पीड से करते हैं, कितने दिन में चक्कर लगाते हैं, अपनी दूरी पर कितने झुके हुए हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कितना याद हुआ या क्या आपने पढ़ा, ठीक है, और शेयर करें वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बात और बताना चाहता हूँ आपको, देखिए कोई भी अगर आप एग्ज़ाम है या आपका फ्यूचर में आने वाला है या आपने दिया है तो आपने देखा होगा उसमें कि GS जो होती है, GS का एक अनलिमिटेड एरिया होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड एरिया होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ ले, लेकिन आप जो याद करते हैं आप उन्हें याद करते हैं जिनके आने की संभावना होती है या जो पिछले पेपर में पूछा जाता है। तो आज हम वही बात करेंगे जो पिछले पेपरों में पूछा जाता है या जिन क्वेश्चनों पर आपके आगे आने की संभावना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद, आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताया था ब्रह्मांड में सूर्य क्या है। सूर्य जैसे मान लीजिए सूर्य है और इसके तरफ ये क्या है, ग्रह हैं। कितने ग्रह की संख्या बताई थी मैंने उस दिन आपको? 8 ग्रहों की, ठीक है, 8 ग्रहों की संख्या बताई थी। इसमें पहला कौन सा आता है? हमारा बुध आता है, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन सा? ये क्या है हमारा? बुध, ये बुध है, और हमारा शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति। ये है शनि, ये है अरुण, और ये है वरुण, ठीक है। ये क्या है हमारा? सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का क्रम है। पहले स्थान पर क्या आता है हमारा? बुध आता है, दूसरे पर शुक्र आता है, तीसरे पर पृथ्वी आता है, चौथे पर मंगल आता है, पांचवें बृहस्पति, छठे पर शनि, सातवें पर अरुण, आठवें को वरुण। अब हम बात करते हैं यम ग्रह की। पहले हमारे जो ब्रह्मांड में ग्रह की संख्या थी कितनी थी? वो थी हमारी 9, लेकिन 2006 में आई ए यू का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है। तो 2006 में इसने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। उसके बाद जो संख्या रह गई वो कितनी रह गई हमारी? वो रह गई हमारी ग्रह संख्या रह गई 8, ठीक है। ग्रह संख्या कितनी हो गई? 8। अब इसमें जो बुध है वो ब्रह्मांड सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। आप इस क्रम में देख सकते हैं कि पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य की जो मैंने आपको उस दिन आयु बताई थी, जो अनुमानित आयु होती है वो 10 मिलियन होती है, ठीक है। उसमें से 5 बिलियन जो है वह प्राप्त कर चुका है, और बची कितनी? जब 10 में से 5 बिलियन प्राप्त कर चुका है तो 5 ही बची होगी। तो जो सूर्य की अनुमानित आयु, मतलब जो जीवन बची है, जो फ्यूचर में वो हमें देगा ऊर्जा, वो देगा 5 मिलियन वर्ष तक, अब तक 5 मिलियन वर्ष तक, ठीक है। बिलियन है, बिलियन जो मिलियन से बड़ा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूर्य का, हमने यहाँ पर बात आ गई, तो सूर्य के बारे में आपको बता दूं कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की अधिकता होती है। किसके अंदर होती है? ये सूर्य में किसकी अधिकता होती है हमारी? हाइड्रोजन की अधिकता होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये हाइड्रोजन जो होता है बनता किस किस प्रक्रिया से है,
या कहाँ से इसमें इतनी अधिक हाइड्रोजन बनती है? तो ये बनती है हमारी नाभिकीय संलयन। आपने इस नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक तो पढ़ी होगी नाभिकीय संलयन और एक बहुत पढ़ी है नाभिकीय विस्फोट, ठीक है। तो उसमें क्या अंतर होता है, इस पे परमाणु और हाइड्रोजन बम दोनों आधारित होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऊर्जा, मतलब जो भी जैसा हाइड्रोजन विस्फोट होता है या नाभिकीय विस्फोट होता है, तो उसमें क्या होता है, विस्फोट हुआ उसके बाद जितने भी उसके अंदर गैस थी या जो भी अन्य पदार्थ थे वो एक दिशा में फैले, फट गए, फैल गए, ठीक है, उसका खत्म हो गया। लेकिन हाइड्रोजन बम में क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लिया ये कोई हाइड्रोजन बम है और जब इसमें विस्फोट होगा तो इसका एक कतरा यहाँ जाएगा, अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, तो फिर ये इसमें विस्फोट होगा, फिर इसके अंदर विस्फोट होगा, यानी कि इसकी जो क्रिया है वो लगातार चलती ही रहती है। इसमें हाइड्रोजन बनती रहती है, विस्फोट होता रहता है, बनती रहती है, विस्फोट होता रहता है। तो यही कारण है कि हमारे सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की इतनी अधिकता क्यों है, मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन का कारण है इसमें नाभिकीय संलयन, ठीक है। और ना इसमें आप बात करें हाइड्रोजन कितनी परसेंट होती है, तो होती है हमारी 70%, ठीक है। हमारी हाइड्रोजन कितनी होती है इसमें, हाइड्रोजन होती है 70% और हीलियम होती है हमारी 28%। क्या होती है? हीलियम होती है 28%। और जो 2% बचा हमारा, ये 2% होती है अन्य गैसें होती हैं, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई या ऑक्सीजन हुई, तो जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है हमारी क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम हमारी 28% पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य की कितनी सतह होती हैं, तो सूर्य की हमारी 3 सतह होती हैं, बाहरी सतह, मध्य सतह और क्रोड, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, बाहरी सतह, या आप यहाँ देख सकते हैं, लिखने जरूरत नहीं है, ये जो सतह है हमारी ये बाहरी सतह हो गई, ठीक है, ये बाहरी सतह हो गई, और हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोना, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कोरोना। और इसके अंदर ये होती है ये परत, जो क्या होती है हमारी मध्य परत, तो मध्य परत ये वाली हो गई। अब जो तीसरी परत होती है हमारी जो क्रोड होती है, क्रोड होती है। अब देखिए ये 3 परतें होती हैं, अब इन तीनों परतों का देखिए कोई भी चीज है, कोई उसके भाग है, तो उसके भाग को अलग अलग विशेषता जरूर होगी, तो इनकी जो अलग अलग जो मतलब तापमान होता है इन सतहों का वो अलग अलग होता है। ये क्या होती है हमारी बाहरी सतह हो गई, जिसे हम कोरोना कहते हैं, कोरोना एक डिजीज नहीं है जो समय चल रही है, इसके वजह से लॉकडाउन हो रहा है, ये केवल इस सूर्य की सतह का नाम है। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना नाम कब पड़ता है इसका, आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण पड़ता है जब प्रकाश पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है, जिस प्रकार जब पूरा सूर्य चमक जाता है, तो उसकी एक बहुत पतली सतह चमकती है सूर्य के चारों तरफ, जो बहुत तेज चमकती है, उसमें प्रकाश अधिक होता है, तो हम इसको ही सूर्य क्रीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है। तो ये वो परत होती है जिसको हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। अब जो कोरोना होता है, कोरोना की हम अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारा होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है हमारा बाहरी सतह का, और अगर हम बात करें क्रोड की तो 15×10^6, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ये होता है हमारा बाहरी सतह का तापमान जो हमारी क्रोड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे ग्रहों के बारे में, कितने ग्रह इस, अब मतलब 8 ग्रह हैं इसके अंदर, किसके अंदर, ब्रह्मांड के, तो हम बारी बारी से इन ग्रहों का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम पहला ग्रह लेते हैं सूर्य, ठीक है, सूर्य ग्रह, सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह या ब्रह्मांड या सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, वो बुध है, ठीक है, क्या है, मैंने क्या बताया आपको अभी, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह और सौरमंडल के सबसे छोटा, सूर्य के सबसे निकट का और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, वो हमारा बुध है। अब इसकी जब ये सूर्य के निकट है और सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह है, तो इसकी एक विशेषता भी होगी, विशेषता क्या है, इसकी एक विशेषता है केवल यह अपना चक्र जो इसकी परिक्रमा होती है सूर्य की परिक्रमा करता है, ये मात्र कितने दिन में करता है, ये करता है मात्र 88 दिन में, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में लगाती है, लेकिन सूर्य बुध के करता है ये लगाता है सिर्फ 88 दिन में। और इसकी एक फीचर्स ये भी है कि इसका कोई उपग्रह
नहीं है, यानी कि ये कोई उपग्रह नहीं रखता। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, तो हम इसकी जो फीचर से ये है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे शुक्र की। ठीक है, हम बात करते हैं आगे शुक्र की। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। क्या है, कहां पर आया था हमारा शुक्र? ये आया था, शुक्र जो है ये होता है यानी कि सबसे गर्म तथा सबसे चमकीला तारा। अगर आपसे पूछे कि सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला तारा या ग्रह कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? शुक्र। और एक बात बताऊं कि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा होती है। किसके? शुक्र के। ये शुक्र है। अब इसका ये ग्रह है, इसके चारों तरफ कोई वातावरण है, कोई वायुमंडल है, जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई वायुमंडल है, तो इसके अंदर जो सबसे अधिक मात्रा होती है हमारी, किसकी होती है? CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होती है, तो जिसके कारण यह सबसे गर्म होता है। ठीक है, आपके मन में ये बात कन्फ्यूजन वाली नहीं रखनी है कि अगर सूर्य के पास सबसे नज़दीक का तारा बुध है तो बुध गर्म होगा, लेकिन बात यह है कि जिसके अंदर CO2 की मात्रा सबसे अधिक होगी वो सबसे अधिक होगी। और CO2 की मात्रा किसके अंदर है? वो हमारे शुक्र के। ठीक है, तो शुक्र को और बुध को आपको दोनों को अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग याद करना है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि पूरब से पश्चिम। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं वो हमारे पश्चिम से पूरब घूमते हैं। जैसे सूर्य होता है हमारा, ये दिशाएं होती हैं हमारी, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो हमारा सूर्य जो निकलता है वो यहाँ से निकलता है, तो हमारे जो ग्रह जो परिक्रमा होते हैं ये सारे ग्रह हैं, और ये हमारा सूर्य है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे जो बाकी ग्रह हैं 8 ग्रह में से 6 ग्रह जो है हमारे, वो पश्चिम से पूरब की ओर अपनी परिक्रमा करते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। सही है, ऐसा इस तरीके से। लेकिन मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, एक हो गया हमारा शुक्र और एक हो गया हमारा अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे बाकी ग्रहों से विपरीत दिशा में अपनी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और शुक्र और अरुण हो गया सबसे अधिक गर्म ग्रह हो गया, और सबसे चमकीला ग्रह हो गया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह कौन सा होता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह, ये कहाँ थी? पृथ्वी थी। ठीक है, यदि हम बात करें कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, हमने पहले बात की थी कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, लेकिन अगर हम बात करें कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह होता है हमारा शुक्र। ठीक है, पृथ्वी के हमारे सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। ठीक है, और शुक्र जो ग्रह है ये बिल्कुल पृथ्वी के समान है आयतन में, द्रव्यमान में, और इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि शुक्र की विशेषता क्या है, तो शुक्र की विशेषता ये है कि इसको हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सांझ का तारा या भोर का तारा। भोर कहते हैं हम सुबह को, यानी कि शाम को सबसे पहले निकलना और सुबह को सबसे बाद में छिपना। ठीक है, या सुबह सबसे पहले निकलना, तो इसको हम क्या कहते हैं? सांझ का तारा या भोर का तारा हम किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पृथ्वी की। अब आइए हमारे ग्रह की बात, पृथ्वी की। देखिए, पृथ्वी का जो क्रम है वो सूर्य से, अगर हम बात करें परिक्रमा के क्रम के बारे में, तो सूर्य का पृथ्वी का स्थान है हमारा 3रा। ठीक है, सूर्य का स्थान हमारा, पृथ्वी का स्थान हमारा 3रा। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान है इसका 5वां। ठीक है, अगर हम बात करें क्रम के स्थान से, क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार इसका स्थान है 3रा, और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है 5वां। मात्र एक ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर हमें जीवन संभव है, यानी कि जीवन संभव है। ठीक है, इस पर जीवन संभव क्यों है? जीवन संभव इसलिए है क्योंकि इस पर मानव को जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। इस पर हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जल, वायु या ऑक्सीजन या गैस या खनिज, जो भी हम चीज़ों का सेवन करते हैं, वही चीज़ें पृथ्वी पर हमारे भरपूर मात्रा में होती हैं। ठीक है,
और यदि बात करें कि घनत्व के बारे में तो पृथ्वी का औसत घनत्व सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक है। क्या है घनत्व जो है किसका? पृथ्वी का, वो सभी ग्रहों की अपेक्षा अधिक है। घनत्व जो है वो सभी ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी का सबसे अधिक है, ठीक है। और हम बात कर रहे थे पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी में जो घनत्व होता है वो सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, ठीक है। अधिक तो होता है। अब इसके जो फीचर्स है, इसके मात्र एक उपग्रह है। क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, उसका क्या नाम है? हमारा चंद्रमा, ठीक है। ये क्या है इसका? ये है इसका उपग्रह, यानी कि जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उसको हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा चंद्रमा पृथ्वी का क्या हुआ? उपग्रह हुआ। और हमारी जो पृथ्वी होती है वो हमारी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। कहाँ से दिखाई देती है? ये अंतरिक्ष से दिखाई देती है। अंतरिक्ष से इसलिए नीली दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग, कितना भाग? 2/3 भाग, 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। कितना भाग है? 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, इसी कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पृथ्वी का ग्रीन प्लेनेट। क्या कहते हैं हमको इसको? ग्रीन प्लेनेट, ठीक है। और इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, जल, वायु, गैसें, खनिज पदार्थ, जितने भी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए पर्याप्त आवश्यकता होते हैं वो सारे पाए जाते हैं। हम बात करते हैं आगे मंगल ग्रह की। इसके बाद क्या था हमारा? मंगल ग्रह, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, इस तरीके से ग्रह जो क्रम होता है, मंगल आता है। मंगल सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है। कौन सा है? ये है हमारा मंगल। मंगल का जो मंगल ग्रह जो है, इसका जो रंग होता है हमारा, वो क्या होता है? लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? ये होता है हमारे लाल रंग का। अब इसके लाल रंग के होने का कारण है, इसमें किसकी रिक्तता पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड, ठीक है। और मात्र एक मंगल ही, पृथ्वी के बाद एकमात्र मंगल ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है, यानी कि इस पर भी हमें वायु, जल या ऑक्सीजन जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सारी इस पर दर्शाई गई हैं। और हर एक देश का जो मतलब उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि वो मंगल ग्रह पर ही ज़्यादातर पहुँचता है। आप इंडिया ले लें, यूएसए ले लें, चाइना ले लें, जो भी ग्रह आपको देखना है वो मंगल पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश में रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मंगल की। जब मंगल की बात आए तो मंगल के जो उपग्रहों की बात करें तो मंगल के उपग्रहों की संख्या कितनी है? वो दो है। अब दो में कौन कौन से हैं? एक है पैबोस, एक क्या है? डिमोस, ठीक है। और डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है? डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। और हम बात करें कि सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, और वो कहाँ पर स्थित है हमारा? वो हमारे मंगल पर स्थित है, ठीक है। ये तो ये हमारे पर्वत की बात। अगर हम बात करें कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, क्या नाम है उसका? ओलिपस मेसी। क्या नाम है? ओलिपस मेसी। तो हम ये भी हमारा मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है, क्या है वो? ओलिपस मेसी, वो भी हमारा मंगल पर स्थित है, ठीक है। और मंगल के उपग्रह कितने हैं? फोबोस और डिमोस हैं। मंगल का रंग लाल होता है, गर्म होता है, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं बृहस्पति की। ये क्या है हमारा? बृहस्पति की, बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। ये क्या हमारा? बृहस्पति है। इसका जो आयतन है या जिसको जो आकार जो है वो सबसे बड़ा है। क्या है ये? ये है बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा
ग्रह है और इसके उपग्रह की संख्या कितनी मानी गई है? इसके उपग्रह की संख्या मानी गई है 67। ठीक है, कहीं कहीं आपको 66 भी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है वो क्या माना जाता है? हमारा ज्ञानीमेड। क्या माना जाता है? हमारा ज्ञानीमेड। ज्ञानीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और वो उपग्रह है किसका? ये हमारा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन हम बात करें इसके घनत्व के बारे में, तो इसका जो औसत घनत्व है, इसका औसत घनत्व सबसे कम है। और अगर बात करें इसके वजन के बारे में, तो ये सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। ठीक है, और इस पर जो होता है, ठीक है, ठीक है, तो जो बृहस्पति के हमारे जो उपग्रह की संख्या कितनी होती है? 67 या 66। कई की किताब में आपको 66 देखने मिलेगा, लेकिन जो एक्यूरेट है वो हमारी 67 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इसके उपग्रह हैं, इनके उपग्रह की खोज किसने की थी? तो बृहस्पति के उपग्रह की खोज की थी हमारे गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बृहस्पति के उपग्रह की खोज की थी। जो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमेड है, इसके उपग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। और इसके ऊपर रेड स्पॉट का इसका चिन्ह इस पर बना हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे शनि की। किसकी? शनि की। शनि की हम बात करते हैं, तो शनि का जो होता है, शनि ग्रह है, इसमें हमारे गैसों के छल्ले पाए जाते हैं। इस ग्रह के अंदर गैसों के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका एकमात्र जो उपग्रह है वो क्या है? हमारा टाइटन। ठीक है, क्या है? टाइटन। शनि के जो वातावरण होता है उसमें हमेशा गैस के छल्ले पाए जाते हैं, और इसका एकमात्र उपग्रह क्या होता है? टाइटन होता है। और ये इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? जुपिटर ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे लिए जो ज्यादातर मोस्ट जो ग्रह है वो हमारा मंगल है, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति तक ही मोस्ट रहता है। इनके बारे में सिर्फ एक एक दो दो लाइनें होती हैं जो सभी को पता होती हैं। जैसे मान लिया इस पर गैसों के छल्ले पाए जाते हैं, या सूर्य का भला होता है, इसके बाद आता है हमारा अरुण। ठीक है, अरुण आता है। देखिए मैंने आपको जब वीडियो शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। ठीक है, ये क्या घूमते हैं? हमारे पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, और जो बाकी ग्रह होते हैं ये हमारे घूमते हैं पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो ये दो ही ग्रह ऐसे हैं, एक तो अरुण हो गया, एक हमारा शनि हो गया। ठीक है, अब शनि इस अरुण पर हाइड्रोजन प्लस हीलियम की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं हम? हरा या नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, हरा या नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और जो हरा नीला ग्रह होता है इसका खुद का, इसके विशेषता यह होती है कि अरुण ग्रह का खुद का यानी कि स्वयं का अपना वातावरण होता है। ठीक है, अरुण ग्रह का स्वयं का, जैसे पृथ्वी का अपना स्वयं का वातावरण है, स्वयं का वायुमंडल है, उसी प्रकार अरुण ग्रह का भी अपना स्वयं का वातावरण होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वरुण की। वरुण ग्रह जो होता है, वरुण ग्रह आप देखेंगे तो कहां पर है? यहां पर है, सबसे आखिर में। अगर आपसे बात करें कि सूर्य से सबसे दूरस्थ का ग्रह कौन सा है, तो हमारा क्या है? वो हमारा वरुण है। ठीक है, और वरुण की एक विशेषता होती है कि इस पर हमारे किस चीज के बादल होते हैं, किस चीज की गैस की अधिकता होती है, तो वो होती है हमारी मीथेन की। और मीथेन गैस की अधिकता के कारण वरुण को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, मीथेन की अधिकता के कारण हम वरुण को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी सिर्फ एक विशेषता है कि यह सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। कि अगर बात करें कि वरुण के परिक्रमण काल का या परिक्रमण वर्ष का या परिक्रमण समय का, तो इसका जो समय होता है हमारा 165 वर्ष होता है। ठीक है, वरुण का जो सूर्य का मतलब जो समय होता है सूर्य की परिक्रमा करने का, वो होता हमारा 165 वर्ष। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने भूल गया था अरुण के बारे में। अरुण ग्रह की जो खोज की थी वो हमारे विलियम हर्सेल ने की थी। किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज की थी हमारी विलियम हर्सेल ने। ठीक है,
यहाँ पर मैं आपके वाली बात बतानी भूल गया था, ठीक है, अरुण खोज ने की विलियम हर्सेल ने। तो आज के हमने आज इस वीडियो में आपको सूर्य के बारे में और सभी ग्रहों के बारे में इतने बारीकी से बताया और इतने अच्छे से बताया है कि आपके आने वाले एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई भी कितनी भी गहराई तक अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इसके वातावरण के बारे में, गैसों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, समय के बारे में, इसकी स्थिति, आयतन, द्रव्यमान, टेम्परेचर सबके बारे में आपको बता दिया कि जिस कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे आपको सिर्फ इस टॉपिक को देखकर ही सब क्वेश्चनों का आंसर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।